गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक सम डिस्कस करूंगा, सोल्व करके समझाऊंगा। पहले आप देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को मेरे साथ देख लीजिए। इरिका इदिति तारिणी पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। Due to difference of opinion, they decided to dissolve the partnership firm on 1st April 2017. अब उस डेट को देखिए, बैलेंस शीट दिया, बैंक बैलेंस, डेटर, एसेट्स हुआ, प्रोविजन बाई में जाएगा, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, और तारिणी का करेंट अकाउंट ओवरड्रॉन बैलेंस है एसेट्स की तरफ। तीनों का कैपिटल है, दो जन का ये करेंट अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इस इन्वेस्टमेंट के साथ है, इन्वेस्टमेंट टू में, फ्लक्चुएशन रिजर्व बाई में, रियलाइजेशन अकाउंट का बात हो रहा है। क्रेडिटर एंड प्रोविडेंट फंड, ये दो लायबिलिटी है। तो पहले बैलेंस शीट का प्रॉपर एलोकेशन कर देंगे, ठीक है। अब नीचे देखो आप, प्लांट एंड मशीनरी को बेचा गया। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का था, इरिका टेक ओवर किया 16 में। अब बैलेंस इसके बाद एफ नंबर के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन इस साइड में है, यहां देखो आप क्या बनाना है, वो चीज इस साइड में बता रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स लिख देंगे, टू डेटर, डेटर है 22,000, इसका बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये है 2,000। डेटर ग्रॉस फिगर टू में लिख देते हैं, बाई में प्रोविजन, स्टॉक 12,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, टू स्टॉक 12,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 45,000, टू इन्वेस्टमेंट 35,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 45,000 और टू इन्वेस्टमेंट 35,000। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका वैल्यू 4,000 है। तो हम लोग का रियलाइजेशन में पहला स्टेप होता है एसेट्स को टू में रिकॉर्ड करना, लिख दिए, और एसेट्स के ऊपर दो के ऊपर प्रोविजन एंड रिजर्व था, बाई में लिख दिए। लायबिलिटी बाई में जाएगा, एक है बाई एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और एक है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का तो 10,000 है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 8,000 है। तो अगर स्टेप का बात करें तो एसेट्स टू में और लायबिलिटी बाई में। अब यहां देखिए कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस को देंगे, बाई बैलेंस बीडी, इसका है 60,000, 40,000, 30,000। बाई करेंट अकाउंट, इरिका एंड अदिति का करेंट अकाउंट लायबिलिटी की तरफ है 8,000, 10,000, और तारिणी का एसेट्स की तरफ है, उल्टा लिखेंगे, टू करेंट अकाउंट 5,000। एक लॉस भी है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, ओल्ड रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,500, 900, 600। तो ये सारा एक कैपिटल रिलेटेड आइटम था। बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस है 20,000, उसको ले आएंगे बैंक अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी। तो बैंक का बैलेंस बैंक में ले लिए, कैपिटल बैलेंस करंट अकाउंट कैपिटल में ले लिए। अब प्रॉफिट रहता तो इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लॉस था इधर बांट दिए। एसेट्स रियलाइजेशन का टू में आ गया, लायबिलिटी बाई में आ गया। अब हमारा काम है ये जो एसेट्स है इसको सेल करेंगे, बाई में आएगा, और टेक ओवर होने से बाई में लिखेंगे, जैसे
प्लांट एंड मशीनरी 20 का, इरिका ले गया 16,000 में। बाई इरिका कैपिटल अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी ये ले गया 16 में। अच्छा, रिमेनिंग बहुत सारा प्लांट था तो रिमेनिंग प्लांट को बेचे हैं, तो बोला है अदर प्लांट एंड मशीन को बेचा गया तो बाई बैंक लिख दिए, उसको 9,000 में बेचा है। अच्छा, और भी है, बिल्डिंग बेचा है 42 में, बिल्डिंग सेल हुआ 42 में। और भी है, सन्ड्री डेटर में से 1,000 रुपया बैड डेट हो गया तो 21 बचा, और फिर 10% 2,100 माइनस किए तो 18,900। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 69,900। अच्छा, एक एसेट्स को इन्वेस्टमेंट को अदिति ले गया, बाई अदिति कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को अदिति टेक ओवर किया है 28,000 में। अब हम इस एंट्री का पोस्टिंग करते हैं, तो जो पार्टनर ले गया था रियलाइजेशन बोल के आएगा, टू रियलाइजेशन, एक साथ दोनों लिख देते हैं। इरिका के कॉलम में 16,000, अदिति के कॉलम में 28,000, दोनों का अलग अलग टेक ओवर था, एक साथ ही पोस्टिंग कर दिए। अब बैंक में टू रियलाइजेशन 69,900। तो जो एसेट सेल हुआ उसको बाई बैंक करके ले लिए, और जो टेकन ओवर था कैपिटल के नाम से ले लिए। अब हमको यहां पे क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो 2000 का क्रेडिटर अनट्रेसेबल था, तो 2000 को पेमेंट नहीं देंगे, 8000 को पेमेंट देंगे, 10% डिस्काउंट हो जाएगा 800 रुपया। टू बैंक क्रेडिटर 7,200। अब प्रोविडेंट फंड का बोला नहीं है, पेमेंट देना ही पड़ेगा 8,000, ये हो गया 15,200। इसको ले आते हैं बैंक में बाई, बाई रियलाइजेशन 15,200। रेमुनरेशन देना है, लेकिन रेमुनरेशन का एंट्री नहीं होगा, एक बार आप लोग फिर से उसको देख लो। ये देखो, रेमुनरेशन देना है इरिका को, इरिका को रेमुनरेशन देना है उसके सर्विस के बदले में, डिजोल्यूशन वर्क इरिका ने संभाला के रखा है, तो उसको रेमुनरेशन देना। रेमुनरेशन के नाम से देखिए, उसको स्टॉक दे दिए हैं, पूरा स्टॉक ले लिया वो, तो इसके लिए हमको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मेरा एसेट्स था। रेमुनरेशन देना है लायबिलिटी है, वन लायबिलिटी इज सेटल विथ अनदर एसेट्स, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डिजोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिजोल्यूशन कंप्लीट हो गया तो इसका लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। डेबिट साइड का टोटल बेसी होगा, क्रेडिट में जाएगा, यहां लॉस निकलेगा। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इरिका अदिति तारिणी, ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। पहले डेबिट प्लस करना होगा, 22,000 12,000 30,000 45,000 15,200। डेबिट का टोटल 159,200 माइनस करेंगे 2, 4, 6, 8, 14, 10, 24, 40,000 69,900 28,000 लॉस विल बी 21 300। एक बार चेक कर लेते हैं, 159,200 माइनस 69,900 28,000
21,300 लॉस को बांटेंगे 5:3:2 का रेशियो में, तो 10,650 6,390 4,260 ये जो लॉस है कैपिटल का 2 में लाएंगे, 2 रियलाइजेशन, 2 रियलाइजेशन 10,650 6,390 4,260 कैपिटल को बंद करना है, 2 बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, कैपिटल क्लोज हो जाएगा, पेमेंट कर देंगे, इसका टोटल हुआ 68,50,30 68,50,30 ये माइनस करेंगे आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो इसका आएगा 39,850, बगल वाले का 14,710 और 20,140 यहां से ये बैंक अकाउंट का बाई साइड में आएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इरिका अदिति तारिणी 39,850 14,710 21,40 39,850 14,710 21,40 74,700 बैंक का टोटल अगर बोथ साइड मैच कर जाए तो फिलहाल सही है 89,900 यस 89,900 मैच कर गया। सबसे पहले इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं उस चीज को ध्यान दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट के 2 में ऑल एसेट्स रिकॉर्ड कर देंगे, बाई में प्रोविजन एंड रिजर्व्स एसेट्स से रिलेटेड एंड लाइबिलिटी, एसेट्स को अगर बेचते हैं तो बाई बैंक टेकन ओवर होगा तो पार्टनर के नाम से, लाइबिलिटी का पैसा देंगे 2 बैंक, इधर आने से प्रॉफिट इधर आने से लॉस, इस बार लॉस आया, कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस करेंट प्रॉफिट इधर लॉस इधर, एंट्री का पोस्टिंग लास्ट में उसको फाइनल पेमेंट, ठीक है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस एसेट्स बेचे थे पैसा आया, लाइबिलिटी का पैसा दिए थे, कैपिटल का पेमेंट लास्ट में बैंक इक्वल हो गया तो समझेंगे सही बनाएंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ बनाइए, देखिए आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।